ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माताएं बताओ, आपके जीवन में ऐसे होता है ना, पति रोज बोलता है, गुस्सा करता है, हर बात में लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ तेरा मेरा होता रहता है। तो आपको कहा चुप रहो, आप सहन करो। कब तक सहन करें? सारा जीवन? ये एक दो दिन का नहीं है। इसके लिए कोई निवारण बताओ। हम सदा चुप ही रहे, सहन ही करते रहे, तो इसका कोई उपाय बताओ। अगर आपके माताजी वाइफ है, रोज खाना में नमक नहीं डालेंगी, कम डालेंगी, चाय में चीनी डाली नहीं डाली, रोज कुछ ना कुछ है, आप रोज बोलते हो, तो आपके रोज इनको समझाते हैं, इनका दिमाग ही नहीं ऐसा ही है, तो आप भी चिड़चिड़ापन हो जाता है। फिर कहेंगे कन भाई खाना नहीं, बाहर ही खाता हूँ, होटल में खाता हूँ, इधर खा, कितना दवा बताया, कुछ करती नहीं है, समझ ही नहीं है। तो बाहर का मनुष्य बाहर खाना क्यों गया? तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? शुभ भावना देने के लिए आपके पास होना चाहिए ना। शुभ क्या सोचे, वो तो गुस्से करता है, गलत बोलते रहते सदा, शुभ भावना कहां से आएगी? और बताओ, अगर आपके पास शुभ भावना हो, ज्ञान योग सुनते हो, तो भी इतना नहीं होता, आपके मन में भी चलता है गलत, नींद नहीं आती, तो आप लोगों को भी बोलेंगे वो ऐसे है, ये ऐसे है, बट आपस में क्या बात करते हो? अभी देख लो, आप साक्षी होके देख लो, अगर मैं देख रहा था कि यहाँ काम का खाना बना रहे हो, टोली भर रहे थे, किसी माताओं ने आपस में मुरली का ज्ञान देन किया नहीं, ज्ञान सुना है ना, माताजी खाना बना रहे थे, माताजी भी थी, किसी ने मुरली क्लास यहाँ से सुना, जब सेवा कर रहे थे, किसी के मुख से सेवा करते ज्ञान का आया विचार नहीं, इधर उधर की बात किया, किसी का मन मुख मन मौन नहीं था, बोल रहे थे जरूर, क्या बोल रहे थे? आज बाबा ने ऐसे सुनाया, आज ये सुना, ऐसे किसी ने सुनाया? एक ने भी? तब कहा घोर कलयुग है, ये घोर कलयुग है, सुन रहे हम, जब तक वर्णन नहीं किया, हम इस अंदर गया नहीं ना, तो भी हम इधर रहते हुए भी आपके मन में क्या है? संसार ही है, संसार की बात की आपने, सही, संसार से बाहर नहीं, इधर आने के बाद घर में संसार है, यहां आने के बाद भी संसार से बाहर आए, ये ऐश्वरीय संसार में आए, यहां आपस में बात किया, आज बहुत अच्छी बात सुना है, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ऐसा किया नहीं, तब कहा हूं बहु रिपीट, जो थे वही हो, कल भी जैसे थे वैसे आज भी हो, कल भी ऐसे रहेंगे। तो ज्ञान सुनने के बाद आपने क्या परिवर्तन किया? तब कहा कोटो में कोई, कोई में भी एक कोई इस ज्ञान को, देखो इतने पांडवों में भी एक अर्जुन निकला जो श्री कृष्ण को मानता था, और श्री कृष्ण ने भी उसके ऊपर विश्वास रखा, यही मेरा एक काम कर सकता है, बाकी न भीम ने साथ दिया, न धर्मराज ने साथ दिया, किसी ने भी श्री कृष्ण को भी साथ नहीं दिया, एक अर्जुन पर, और अर्जुन को ही भगवान ने साक्षात्कार कराया, उसको ही पढ़ाया, और किसी को नहीं पढ़ाया, पांच पांडव थे, सभी को भी नहीं भगवान ने अपना रूप नहीं दिखाया। फिर तो सोच लो, हम सिर्फ सुनने से नहीं, सुनने के बाद हम ज्ञान को आचरण में कितने ला रहे हैं? 1%, एक दिन नहीं होता है, भगवान के एक बूंद ले लो, बूंद बूंद मिलकर के ठीक होगा ना, एक दिन तो नहीं होगा, तो कुछ समझ चाहिए। अभी बहुत जन्मों की आदत बनी, तब आपको व्यवस्था दिया था, क्या व्यवस्था बताया? पहले दिन याद नहीं रहता है, जब मुरली सुनते हो, सुनो भाई माता है, जो लिख सकते हो एक शब्द लिख कर अपने पास रखो, भाई लिख के जेब में रखो, इतना ही करना है। फिर यहां से घर जाते हो, बाबा के याद में खाना खा लो, याद में क्या याद करेंगे? हाँ, जो बाबा ने जो काम कहा वो याद आना चाहिए ना, आज बाबा ने सवेरे मुझे क्या काम दिया था, तो लिख के रखा है, पढ़ो खाना खा लो, दिन में पढ़ो खाना खा लो,
रात को पढ़ो, खाना सबे तीन दफा शरीर को खिलाते हो, आत्मा को भी तीन दफा ज्ञान भोजन है, शुद्ध विचार याद दे रहता है। तो लिख करके माताएं लिख करके किचन में रखो, पढ़ो एक शब्द, पढ़ो खाना खाने बैठो, कोई तकलीफ है? भाई याद दे रहता है, जेब में है, लिख पढ़ो खाना करो, डायरी में लिखा, डायरी एक जगह पर, सारी पॉइंट डायरी में लिखो, लेकिन एक वो सदा नहीं, 10 दिन करो, आदत बनेगी। फिर खाना खाने बैठते ही अगर आज आपने लिख के नहीं डाला, अरे आज बाबा ने क्या कहा था, याद ही नहीं, लिखा ही नहीं, तो याद तो आया बाबा की, तो आदत डालो। फिर दूसरा, सुनने के बाद अभी माता जी जाती है, सुन करके पति है बच्चे उनको बताओ, देखो आज बाबा आपने कहा, पति जी आए थे, उनको कहा रोज क्लास में नहीं आ सकता है, तो आप कर सकते हो, आप रोज खाना खिलाते हो, हाथ से खिलाते हो, तो मन क्या कर रहा है, खाली, तो आप मुख से भी एक शब्द बता सकते हैं, आज मुरली में बाबा ने ये कहा था, खाना शरीर को दिया, आत्मा को भी खाना दे सकते हो। अगर वो नहीं आ सकते हैं तो आप अगर सवेरे गए, फोन करते हो, बात करते हो कभी, तो बात करते करते आपके साथ, आज देखो सेंटर में गए थे, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, आप अच्छे ज्ञान अंदर भर सकते हो, वो आपके ऊपर है। खाना खिलाना इतना ही समझते हैं हम, खाना के बाद आत्मा को अच्छे विचार भी देना, ये भी माँ गुरु का धर्म है। माँ को गुरु कहा, माँ गुरु कैसे सिखाती है, सबको सिखा सकते हो। जैसे खाना देते हो, शरीर का दिया आपने, आत्मा के लिए क्या किया, तो अच्छे विचार दे दो। अच्छे विचार कहाँ से लेके आओ, सत्संग में मिलता है। रोज एक शब्द ले लो, हाँ बच्चों के अंदर डालो, खाना खिलाते हो, बात करते हो, तब एक एक शब्द तो सुना सकते हैं ना कि नहीं। ये है परिवार की पालना, संसार में रहते हुए संसार छोड़ना नहीं, नंबर वन गृहस्थ धर्म है, लेकिन पालना करना सीखना चाहिए। लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण संसारी है, गृह सन्यासी नहीं है। संसार में रहते हुए कैसे चलना है, उनको खाना देना है, ये चाय बना के देना, इतना पता है, तो एक शुभ विचार भी दे दो साथ, चाय के साथ एक बिस्किट दिया तो एक विचार भी अच्छा दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। मुरली जो सुने आप बताओ, वो सुने न सुने आप तो दे दो, कर सकते हो। तो ये चीज है परिवार के पालना।